क्या हुआ था, पूरा वाक्य बताइए। वाक्य था सर, सुबह सुबह हम प्यार से गए थे ग्रामवासी सब इकट्ठा हो गए आसपास के गांव के, इनको समझाने के लिए कि आप इसको हटा दीजिए, तो ये सुनने को तैयार ही नहीं थे और उनको लोकल लोगों को धक्का मुक्की कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और सर उसके बाद इन्होंने पुलिस वाले आए थे तो पुलिस वालों के ऊपर एसएचओ के ऊपर तलवार से हमला किया, एक एसआई के ऊपर तलवार से हमला किया। अगर वो एसएचओ इसको उसको नहीं पकड़ता, उस खालिस्तानी को नहीं पकड़ता, तो सर वो कितने 50 लोगों को घायल कर देता। बड़ी मुश्किल मुश्किल से उन्होंने एसएचओ ने उसको पकड़ लिया, इस वजह से यहाँ काफ़ी लोग बच गए, नहीं तो सर ये तो बिल्कुल मरने मारने को तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर जो लड़ाई का जो माहौल जो क्रिएट किया गया वो क्या उनकी तरफ से ही किया गया? बिल्कुल उनकी तरफ से किया गया सर, सारे ग्रामवासी यहाँ से, ज़्यादा लोग नहीं, इतने लोग हुए थे इकट्ठे, काफ़ी लोग थे, लेकिन प्यार से बात करने तो गए थे सर, ये प्यार से बात सुनने को तैयार ही नहीं है सर। इनकी वाइफ है, इनके ये सब गाली देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लोकल लोगों को भी गाली देते हैं, पुलिस वालों को भी गाली देते हैं, मोदी को भी गाली चाहिए, लोगों को भी गाली देनी है, इनको सबको गाली देनी है, तो सर ऐसा तो लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं यहाँ लोकल लोग। तो आप लोगों का जो अगला स्टेप, जो आप यहाँ के लोकल लोगों का अगला स्टेप क्या होगा इनके? अब सर ये तो बिल्कुल यही होगा सर, सारे जितने भी आसपास के गांव के हैं सब इकट्ठे होंगे सर, यहाँ पे दोबारा इकट्ठे होंगे सर, दोबारा इन पे बात होगी सर, रोड तो खाली करना पड़ेगा इनको सर। राकेश टकैते कहते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था और अभी भी पुलिस वालों पर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर वो तो अगर वो इतना ही दूध का धुलाता तो सबसे पहले उस किसान रैली को लीड करता, लीड तो करने वाला नहीं था, सबसे पहले गायब तो वही हो गया था, दो दिन के बाद सामने आया है, उसके बाद भी वहाँ घड़ियालू आंसू बहा के दिखा रहा है, तो कुछ नहीं, पॉलिटिक्स कर रहा है। जो मतलब सही किसान थे वो जा चुके हैं, अब जो बाकी आतंकवादी और खालिस्तानी बैठे हुए हैं वो यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं और केजरीवाल उनको सह दे रहा, तो देशद्रोही को तो सह दे रहा है सर। सबसे पहले सह देने वाला तो वही है, सह तो उसी ने दी है, उसका मंत्री आके यहाँ सह दे रहा है, गाजीपुर पे जाके सह दे रहे हैं। जब यूपी वालों ने बिजली काट दी है तो दिल्ली वालों को बिजली देने की क्या जरूरत थी? तो ये सपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा यही है, हम इनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, हम तो पुलिस के सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में है हम, और पुलिस से हमारे समर्थन मिलता रहेगा, हम पुलिस को पूरा समर्थन देते रहेंगे। आज सुबह क्या हुआ, पंगा वैसे नहीं होता, वो क्या नाम राघव चड्ढा है ना, वो आया था करीब 5 मिनट पहले, जब जिसके पुलिस वाले एसएचओ के तलवार मारी है, उससे पहले स्टेज बोला, उसके बाद पंगा हुआ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है भड़काने का काम कर रहे हैं आम आदमी। कर एक बात बताओ, अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आम आदमी कितना गई थी आगे? कहीं सुना था कि आम आदमी ने उसको राशन दे दिया, कि उसको दे दिया, उसको सपोर्ट कर दिया? आज यहाँ पे किसान पे खालिस्तान वाले बैठ गए, वोट बैंक के चक्कर में आपने यहाँ पे राघव चड्ढा भेज दिया, कल मनीष सिसोदिया भेज दिया, ये क्या चक्कर है? ये पंजाब से सिर्फ इलेक्शन है पंजाब में, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है भाई? देश को बंटवारा थोड़ी ना होने देंगे, खालिस्तान यार, ये खालिस्तान क्या है? कल को तुम खालिस्तान मांग रहे हो, कल को दो चार मुसलमान खड़े हो जाएंगे, दो चार हिंदू खड़े हो जाएंगे कि हमें भी दे, ये भारत है, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान रहने दो, समझे? इसको बंटवारा मत करो, और ये जो जितने भी झाड़ी वाले बंदे बैठे हुए हैं ना, ये सब 2 मिनट में भाग जाएंगे, इनको गांव का थोड़ा, अब हम सारे लोग हमारे जो गांव के इकट्ठे नहीं हो पा रहे, शांतिपूर्ण बिल्कुल, हम लोग यार प्यार मोहब्बत से चाह रहे हैं यार, ये भी तो भाई चाह रहे हमारे, जो भी है चाहे किसान हो या कोई भी है, तो हमारे भाई, कोई हम कोई दुश्मन थोड़ी ना, हम ना हमारे ये दुश्मन है। आप यार पुलिस वाले, यार पुलिस वालों के बारे में आप सोचो, आप दिन रात बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर आप तलवारों से वार कर, उनके भी बच्चे नहीं है क्या? उनको आम आदमी पार्टी के कौन सा नेता देखने गया बताओ? कोई देखने जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। आम आदमी के एक बताओ, कोई कंपनी का वर्कर किसी से कोई बंदा पूछने नेता जा रहा है कि तुम्हारे घर में रोटी कहाँ से आ रही है, तुम्हारे काम धंधे कैसे चल रहे हैं, कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है ना। इनकी वजह से बेचारे लंगड़ में खाना खा रहे थे, आज उन्हें लंगड़ में भी बंद करवा दिया, उनको जिनको पंजाबी लैंग्वेज आ रही है उनको अंदर है, जो वैसे उनको पकड़ के मार रहे हैं भाई। ये अब इनकी गुंडागर्दी हो गई भाई, ये गुंडागर्दी। अब लोग धीमे धीमे भाई सारे गाँव के इकट्ठे होंगे, आज हमारे 500 बंदे हुए, कल हो सके हम 1000 बंदे हो जाएंगे, 1000 बंदे का भाई आगे इनके साथ जाएंगे। हम तो यही चाहेंगे, वो केजरीवाल के अंडर में ये गांव आता, दिल्ली आता, ये बॉर्डर तो इनकी तो ज्यादा वो कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं समर्थक आतंकवादी के, तो इनकी भी तो प्रॉब्लम सोल्व करें ना, जो हमारे को जाने में दिक्कत होती है, आने में दिक्कत होती है, 20-20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता, तो केजरीवाल को हमारे का भी तो देखना पड़ेगा ना। ये जो ना लगता है कि पंजाब का जो ना आंदोलन चल रहा है अकालियों का, और निरंकारी है जो दुनिया भर के मिले हुए हैं, पता नहीं सिग्नली करें क्या है, पहचान में नहीं आ रहे, और यही जो ना आके यहाँ तक मचा रहे हैं, और खालिस्तान का झंडा फहरा दिया देखो लाल किले पे, क्या वो देश का अपमान नहीं किया उन्होंने? सर मेरी उम्र जो है ना कम से कम जो है ना 800 साल की होने जा रही है, ये पहली बार मैंने दृश्य देखा है इस तरह का,
वो सुनाया कि भी झंडे का इस तरह से अपमान किया है, और ये जो है ना ये बहुत ही गलत किया है उन्होंने, उनको उनको सजा मिलनी चाहिए। देखो कि ये तो जैसे कि जैसे जैसे सिख हैं, ये सिख है सरदार मानो, ये जो भी मानो कौम है, तो ये कौम है जो बड़ी ख़राब कौम है इसके बारे में, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, बेकार कौम है, तो ये ऐसे मानने वाले भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ऐसे खाली झंडे से दर्द है, आपसे में भिड़ित होती हैं, वो आपसे में होती रहती हैं हर एक की, उससे हमें दर्द नहीं है। और यहाँ बैठे जब भी किसी की दर्द नहीं था, भी शांति से बैठे रहो, अपना हक आया, हक मांगने से वो हक होता है। परंतु झंडे ने किसका बुरा किया है? झंडे तो पूरा देश का है, चाहे कोई भी हो। हाँ, झंडे से दर्द है। हम भी किसान की औलाद हैं और घर से कमाने के लिए निकले हैं, हमें रोजाना 20 किलोमीटर पैदल अप डाउन करना पड़ता, कोई साधन नहीं मिलता, या तो नौकरी बचाए या तो वो करे। मेरे जैसे कई भाई बंधु होंगे जिसकी महिला गर्भवती होंगी, अब बता बीबी को देखें कि नौकरी देखें कि पैदल जाएं, तो हमारा समर्थन कौन करेगा? ना तो मोदी कर रहा है ना तो ये कर रहा है। अगर इनके पास क्यों ना, तो हमारे जैसे नौजवान को खड़े कर दो, या तो हम मारे जाएंगे या तो इनको भगा के छोड़ देंगे। सर तो सर आप यहाँ के लोकल ही हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से। सर मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। सर तो यहाँ पर आप नौकरी करते हैं, तो आपको अप एंड डाउन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है? पैदल सफ़र करना पड़ता है सर, 20 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ जाता है, आपको अप एंड डाउन करना पड़ जाता है। तो जो यहाँ पर जो जिस तरीके से अभी भी बैठे हुए हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी चला रहे हैं, जिस तरीके से तलवार से वार किया गया आज एक SHO पर, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहूँगा दिल्ली पुलिस और आर्मी इन्हों खुली छूट दे देनी चाहिए, जैसे बॉर्डर पर दे रखा जम्मू कश्मीर में, कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो तुम भी सहो मत, सीधे वार करो। यही आज से नहीं, ये पहले से युग से ही चलाया। अगर तुम्हारे पर कोई तमाचा मारे तुम उसका उल्टा जवाब दे सकते हो, तो इन्हें मार के भगाया जाए, और जो मेरे जैसे आम किसान के औलाद के बालक हैं उन्हें मतलब नौकरी के लिए आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये आकर के 370 की बात कर रहे हैं, यानी 370 के लिए लोग आकर बैठे हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। किसान तो अब यहाँ से जाएगा और बस जाएंगे ये लोग, इन लोगों को जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। सर एक बात देखो, अभी भी ये आए थे, बुजुर्ग आए थे, हमारे से बड़े थे, वैसे महानंद दयानंद सरस्वती का नाम लेते हैं और वंदे मातरम भारत माता की जय इनको बोलने में शर्म आती है। हम भारत माता की जय बोल सकते हैं? भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हम वंदे मातरम बोल सकते हैं? वंदे मातरम की जय नहीं बोल सकते। नहीं बोलते सर, ये प्योर खालिस्तान से 370 के समर्थन में खड़े हैं, ये इनको तो भगाना पड़ेगा। जो देशद्रोही वाली चीजें करी गई हैं, जो झंडा फेंका गया, सिक्की का झंडा वहाँ पे फहराया गया, क्या वो जायज था? एक तरह की बदमाशी हो रही इनकी, ये कोरोना कहाँ, कोरोना तो जाली बदमाशी हो रही है। ये पुलिस वाले पे भी हाथ उठा दें, तलवार उठा दें, हैं? अरे यहाँ आपको पता है दो महीने से यहाँ ग्रामीण कितने परेशान हो रहे हैं, आपको पता है? और भाई मैं क्षमा का प्रार्थी, मेरा जन्म किसान परिवार में है और आपको माफी जमीन है 6 बीघे, और मेरे दादा के बात सुन जरा, दादा के पास थी 85 बीघे, समझे कि नहीं? तो अब परिवार इतना बढ़ गया था भाई, वो चीज वो सब छोड़िए, लेकिन क्या आप इन सब सारी चीजों का, जो चीजें हो रही हैं अभी, पुलिस पर वार करना या फिर वहां पर झंडे का अपमान करना, क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं इस चीज का? बात यहाँ पर मेरे ताऊ का लड़का, मतलब सर आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जो लोग यहाँ पर देशद्रोह कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर क्या झंडा फेंकना देशद्रोह नहीं है, बात नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल। जो देशद्रोही का काम करता है, भारत माता की, क्या भारत माता की, भारत से बड़ा कोई है ही नहीं, कमाल कर लिया, भारत से बड़ा कौन है? क्या अभी जो यहाँ पर अभी जो किसान बैठे हुए हैं, क्या अभी भी आप उनके सपोर्ट में हो? अभी भी आप उनके सपोर्ट में? मैं आई हूँ दयानंद का मेरे सरस्वती, हाँ बस उससे ऊपर नहीं मानता मैं किसी को, बस ठीक है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अभी हमें सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से जो लोग हैं उनके मन में आक्रोश है, हमने देखा कि 26 जनवरी को किस तरीके से पुलिस वालों पर वार किया गया तलवारों से, भालों से, और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को डंडे से जिस तरीके से पीटा गया, और वहीं पर आज भी हम देख ले तो सेम चीज़ हुई, बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ हुई, यहाँ पर भी उसी तरीके से उन पर वार किया गया। अब देखना यह कि हमारी सरकार जो है कितना कड़ा कदम उठाती है इनके खिलाफ और कितनी
जल्दी जो ये बॉर्डर है जहाँ पर इतना तनाव जो अब बन चुका है, तो कितनी जल्दी ये जो तनाव है इसको कहीं ना कहीं ठंडा किया जाता है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।